हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करेंगे बेबी बाथ टब। मैंने इस बाथ टब को फर्स्ट क्राई से परचेज़ किया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसे अनबॉक्स कर रही हूँ। तो ये एक किसी तरह के कार्टन में आया था। तो पहले जब मैंने इसे देखा था तो मुझे लगा था कि बहुत बड़ा साइज़ आ गया है, बट इसे यूज़ करने के बाद आई फील कि ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है मेरे बेबी के लिए। मैंने इस बाथ टब को यूज़ करना शुरू किया था जब मेरा बेबी 6 मंथ्स का था, एंड मुझे तब से लेके अब तक इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में आता है एक बाथ टब, एक ग्रीन कलर का स्लिंग एंड एक छोटा सा मग। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं दिखा रही थी, इस स्लिंग के नीचे 4 सक्शन क्लिप्स दी हुई हैं। इसकी वजह से जब इस बाथ टब को हम इस तरीके जब इस स्लिंग को हम इस बाथ टब में इस तरीके से फ़िक्स करते हैं तो बिल्कुल फ़िक्स हो जाता है। एंड आप देख सकते हो मैं टिल्ट कर रही हूँ तब भी वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है बेबी के सेफ्टी के लिए, बिकॉज मुझे हमेशा लगता था कि ये स्लिंग हमेशा स्लिप कर जाता होगा, जो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और एक छोटा सा मग है जो वहीं पर अटैच हो जाता है। तो इस मग का ही फ़ायदा है कि इसमें एक परफेक्ट क्वांटिटी आती है पानी की जब हम बेबी को नहलाते हैं, बिकॉज़ जो नॉर्मल मग साइज़ है वो बहुत थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस तरह से अटैच हो जाएगा। सिर्फ इसमें इस स्लिंग को इस बाथटब में अटैच करना है एंड देन ये रेडी हो जाता है यूज़ करने के लिए। तो एंड अभी देखिए, मैं इसको निकाल रही थी तो बिल्कुल वो उसमें स्टिक हो गया था। एंड यहाँ पे एक ड्रेन प्लग भी दिया गया है, इससे आप इसे बंद कर सकते हैं एंड आप फिर इसे इसमें से पानी नीचे नहीं जाएगा और आप इसे कहीं पे भी ले जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं यूज़ करके। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा बेबी, ये वीडियो जब मैंने बनाई थी तो मेरा बेबी अभी 8 मंथ्स का है। एंड आप देख सकते हो कि इस मग में जब मैं पानी ले रही हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी आती है, जिससे बेबी को कोई भी अनकम्फर्ट फील नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड क्योंकि सर्दी का टाइम था तो मैं अपने बेबी को यूजुअली रूम में लाके नहलाती हूँ हीटर ऑन करके, ताकि उसे ठंड ना लगे। तो इस बाथटब की हेल्प से मैं इस आराम से उसके जो ड्रेन प्लग है उसे बंद करके उसे नहला सकती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने स्लिंग अटैच कर दिया है और जो मेरा बेबी है वो फ्रंट पोजिशन में है। एंड इसकी मदद से क्या होता है कि जब मुझे उसके हेयर पे शैम्पू लगाना होता है या मैं उसे नहलाती हूँ तो पानी बहुत आराम से नीचे ड्रेन हो जाता है एंड बेबी के बॉडी पे भी आराम से वो पानी नीचे गिरता है एंड कोई भी अनकंफर्ट फील नहीं होता है। एंड आप बेबी की मसाज एंड बेबी का ये को जो आप सोप लगाते हैं वो भी बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो आप देखिए, मेरा बेबी इस वाटर में बहुत एंजॉय कर रहा है। और अगर आप अब साइज़ को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका नाम ज़रूर लार्ज बाथ टब है, बट ये बिल्कुल भी बहुत एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है। ये साइज़ परफेक्ट लगा मुझे मेरे बेबी के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली बेबी बढ़ेगा ही, तो इसके अगर मैं इससे छोटा लेती मुझे ऐसा फील होता है तो डेफिनेटली मुझे वो छोटा फील होता। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फ्रंट पोजीशन में तो हमने देख लिया, अब अगर आपको बच्चे को बैक साइड में सोप लगाना है तब भी ये बहुत कंफर्टेबली बच्चा उसमें फिट हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने अभी अपने बेबी को बैक साइड में कर दिया है एंड यहाँ बेबी आराम से जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है एंड बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रहा है। मुझे अब 2 महीने हो चुके हैं इस टब को यूज़ करते हुए एंड मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप देखिए, जब मैं बैक साइड से पानी डाल रही हूँ तो भी पानी बिल्कुल आराम से उसके बैक साइड से भी नीचे की तरफ आ रहा है एंड कोई भी इशू नहीं हो रहा है। तो अब मुझे इसमें एक्स्ट्रा हैट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे बच्चे की आईज़ प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, बिकॉज जितने ज़्यादा एसेसरीज़ में यूज़ करूँगी उतना ज़्यादा बेदिंग में प्रॉब्लम होगी। तो अब ये थर्ड पोजिशन आप देखिए, मैंने इसमें सीधे अपने बेबी को बिठा दिया है। ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका बेबी बैठना शुरू कर देगा। तो इससे पहले की पोजिशन तब है जब आपका बेबी बैठता नहीं है। तो आप देखिए, बैठ के भी आराम से बहुत कम्फर्टेबली आपका बेबी इसमें बैठ सकता है और आप आराम से पानी डाल के उसे नहला सकते हैं। कोई भी स्लिंग्स किसी भी तरीके से स्लिंग स्लिप नहीं करता है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए, आपने थर्ड पोजीशन,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बाथटब को यूज़ करने की फोर्थ पोजीशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने स्लिंग को हटा दिया है एंड विदाउट स्लिंग आराम से मेरा बेबी इसमें नहा पा रहा है। तो आप इस पोजीशन को तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका बेबी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और आपको स्लिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस टब में बहुत सारी स्पेस है एंड आराम से जब बच्चा और बड़ा हो जाएगा, एक साल से ऊपर भी हो जाएगा, तब भी इस बाथटब को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं एंड इसमें बच्चे के हाथ एंड पैरों को मूव करने के लिए भी काफ़ी स्पेस है। तो ये था मेरा इस बाथटब का रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो एंड ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के प्रोडक्ट रिव्यूज़ आपके लिए ला सकूँ जो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं तो। ऑल्सो ये प्रोडक्ट फर्स्ट क्राई एंड अमेज़न दोनों पे अवेलेबल है। मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इन केस अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना हो तो।